मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत तरीके से मुशायरा सुन रहे हैं. चंद आवाज़ें ऐसी आ रही हैं जो हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ हैं. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुशायरे का लिहाज रखें. अब मुशायरा अपने उरूज को पहुँच रहा है. आप दाद दे देकर तमाम शोरा का हौसला बढ़ा रहे हैं. एक ऐसी शायरा जो खुश अखलाक भी है, खुश अंदाज भी है, खुश लिबास भी है. एक ऐसी शायरा जिसने 22 साल उस्तादी की, वो सफ़र आगे बढ़ा तो सहारा तक पहुंची, सहारा से आगे गई तो चौथी दुनिया की एडिटर बनाई गई. मकबूल जदीद लबो लेजे की शायरा जनाब डॉक्टर वसीम राशिद हमारी आज खूबसूरत निज़ामत कर रही हैं. मैं उन्हें एक अच्छी निज़ामत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आएं और अपना कलाम पेश करें. इस्तकबाल कीजिए ज़ोरदार तालियों से. जी बहुत बहुत शुक्रिया. पूरी तरह निज़ामत में डूबी हुई हूं. समझ नहीं पा रही कि क्या पढ़ूं. आज पहली बार ऐसा लम्हा है कि मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हूँ. एक चार मिसरे और एक मतलब और दो शेर मेरे मिजाज के और एक मतलब और दो तीन शेर आपके मिजाज के. मेरे मिजाज के शेर सुन लीजिए. आज की शायरी, आज के दौर की हकीकत, सदर मुशायरा की इजाज़त. मसनत पर जो बैठे हैं ये कौन इन्हें समझाएगा, मसनत पे जो बैठे हैं ये कौन इन्हें समझाएगा, आने वाला एक एक लम्हा खतरा बनकर छाएगा, आने वाला एक एक लम्हा खतरा बनकर छाएगा. बस्ती बस्ती चीख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, बस्ती बस्ती चीख रहे हैं बच्चे बूढ़े और जवान, इनको बस ये बात बता दो काला धन कब आएगा. अरे बाबा इनको अरे बाबा इनको बस. अच्छा मुझे लग रहा था आप सिर्फ रुमानी शायरी सुनेंगे, मुझे क्या मालूम. आप बहुत इना बहुत मेहरबानी आप सभी हजरात की. इनको बस ये बात बता दो काला धन कब आएगा. एक मतलब और दो तीन शेर उसी मिजाज के. एक शेर हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये मतलब और चंद अशार कहने पड़े. जो शेर हुआ था जिसकी वजह से गज़ल कहनी पड़ी वो भी बताऊंगी मैं आपको. मतलब समाप्त कीजिएगा. जुल्म का हर किरदार बदल के रख देंगे, जुल्म का हर किरदार बदल के रख देंगे, हम आपके सरकार बदल के रख देंगे. अरे बाबा अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, बहुत इनायत. जुल्म का हर किरदार बदल के, ये मेरे मिजाज का शेर है इसलिए इसको बर्दाश्त कीजिए. जुल्म एक सहाफ़ी की शायरी, सहाफत से ताल्लुक़. जुल्म का हर किरदार बदल के रख देंगे, हम आपके सरकार बदल के रख देंगे. और ये शेर आपकी नज़र. हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो, हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो दुनिया की रफ्तार बदल के रख देंगे. हम फिरकों के बहुत इनाय, हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो, मेरी दोस्त अना अना साहिबा, हम फिरकों के खोल से बाहर आए तो दुनिया की रफ्तार बदल के रख देंगे. मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, जालिम का दरबार बदल के रख देंगे. अच्छा मजलूमों ने जिस दिन भी बहुत इनायत, मजलूमों ने जिस दिन भी अंगड़ाई ली, जालिम का दरबार बदल के रख देंगे. और जिस शेर की वजह से यह गजल हुई, काम सहाफी सच्चाई से जो लें तो, काम सहाफी डॉक्टर साहब सच्चाई से जो लें तो हर चैनल अखबार बदल के रख देंगे. अच्छा काम सहाफी सच्चाई से जो लें तो हर चैनल अखबार बदल के रख देंगे. हिंदू मुस्लिम एक अगर हो जाएं तो, हिंदू मुस्लिम एक अगर हो जाएं तो हम सारा संसार बदल के रख देंगे. हम सारा सन बहुत बहुत मोहब्बतें. हिंदू मुस्लिम एक अगर हो जाएं तो
ہم سارا سنسار بدل کے رکھ دیں گے، کام صحافی سچائی سے جو لیں تو ہر چینل اخبار بدل کے رکھ دیں گے، ہر چینل۔ بس اب آپ سن رہے ہیں تو بس اسی مزاج کی ایک مطلب اور دو تین شعر کے ساتھ آپ کی زحمت تمام اسی مزاج کی غزل پہ پھر پڑھتی ہوں۔ اب آپ کی مزاج نہیں، اب میرا چل رہا ہے۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، کیا کہنے، شعر دیکھیے گا اسلم صاحب جی۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا، کیا کہنے ہیں۔ معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا۔ آج کے زمانے کا شعر واویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو، کیا بات ہے، واویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا، واویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا۔ سینچی ہیں میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں، سینچی ہیں میں نے خون سے ہجرت کی کھیتیاں، یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا، یہ دل اسی لیے تو میرا دل نہیں رہا۔ مقطع سماعت کیجیے گا۔ یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، مقطع دیکھیے بچوں، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا، یہ لوگ ہم کو گھول کے، جی بہت 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 شکریہ، بہت اچھا ہے جی، بہت یہ لوگ، پھر پڑھیے مقطع، یہ لوگ جی میں حاضر ہوں جی، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا، معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا۔ بہت بہت شکریہ۔